हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे मेरे पेट को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो मैं तैयार हुई हूँ उसके लिए। और यहाँ मैं सिर्फ लगाने वाली हूँ सनस्क्रीन 16 सेफ का, जो डॉक्टर रेकमेंडेड है। मैं 2 फिंगर रूल के हिसाब से लगा रही हूँ और अच्छे से उसे पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगी। इसमें थोड़ा सा वाइट कास्ट भी आता है, जिससे मेरा फेस बहुत फ्रेश और अच्छा लगता है। बहुत गंदा वाला नहीं, जहाँ पर मैं भूत लगती हूँ, बट एक अच्छा सा इवन टोन दे देता है फेस को, तो फ्रेश लगता है फेस, जैसे कि आप देख रहे हो। और ज़रा भी स्टिकी नहीं है, स्पेशली मुंबई की क्लाइमेट में फेस बहुत स्टिकी हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और प्लस हाथ और पैर पे भी, क्योंकि मैं उसको बाइक पे लेके जाने वाली हूँ, तो मुझे हाथों के लिए भी कुछ चाहिए था, तो मैंने ये वैसलीन का सन प्रोटेक्ट सनस्क्रीन लगाया है। और ये काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट है। और अब मैं परफ्यूम लगा रही हूँ, बॉडी शॉप का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये एक बॉडी मिस्ट है, तो एक्चुअली इसे सिर्फ बॉडी पे लगाते हैं। और अब मैं मेरे बाल कोम कर दूँगी फटाफट, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट था 12:30 का और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, घर पे ही 12:15 हो गए थे। अब मैं थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगाऊँगी, स्टूडियो वेस्ट की न्यूड शेड है, और इसे हाथ से स्प्रेड कर दूंगी। मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं विंटर्स में, क्या आप सबके भी हो रहे हैं? इसीलिए मैं प्रॉपर वो मैट वाली लिपस्टिक नहीं लगा सकती, क्योंकि और ड्राई हो जाते हैं। अब मैं बालों को बांध रही हूँ अपने क्लिप से, और ये मैं तैयार। मैंने आज वाइट इसीलिए पहना है क्योंकि उसके बाल मेरे टी शर्ट में बहुत चिपकने वाले हैं। और मैं रेडी, लेट्स गो। और यहाँ जैसे ही बास्केट निकाला, उसको पता चल गया हम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो भाई साहब बहुत नाटक करने लगा, अंदर बैठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा एक उसकी फेवरेट ट्रीट दे देती हूँ, तो ये उसकी एक फेवरेट ट्रीट है जो क्रैप फ्लेवर की है, तो मैंने वो निकाल दी। बहुत नाटक है इसके, बहुत नाटकों के बाद इसे फाइनली खाया। और इसके तो नाटक बड़ों से भी ज़्यादा है। जो भी कैट मॉम्स हो गए, वो लोग समझ सकते हैं कि कैट्स कितने नाटक करते हैं, और हमारा वाला तो कुछ ज़्यादा ही नाटक करता है। और इतना मुंह फेरने के बाद अब देखो कैसे अच्छे से खा रहा है। हम उसे पूरा स्टिक नहीं देते, तो थोड़ा सा ही देते, फिर थोड़ा सा दे के उसका मन बहल गया, फिर हमने उसे बास्केट में डाल दिया। ये है उसकी फ़ाइल। फ़ाइल लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके सारे रिकॉर्ड्स, कब वैक्सीनेशन होता है, कब क्या होता है, उसको सब डीवर्मिंग सब उसमें लिखा होता है। और अब हम उसको बास्केट में डाल रहे हैं। डोंट वरी गाइस, सब कैट्स को ऐसे ही रखते हैं। और अब हम बाइक पे चले डॉक्टर के पास। बाजू में ही डॉक्टर था, इसीलिए हमें सोचा कि बाइक पे ही चले जाए। बास्केट को मैंने आगे रख दिया था दोनों पैरों के बीच में, और मैं बहुत स्लो चला रही थी, तो कोई टेंशन नहीं था। और अब हम पहुंच गए डायनामिक पेट क्लिनिक, जो वडाला में है, और ये बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ ही आती हूँ हमेशा।
इधर से ले। क्यूट फेस है। ये इसको चिन पे पहले भी हुआ था, फिर अपने आप चले गया। देखिए ना गैप है, थोड़ा सा तो गैप है यार, जैसा थोड़ी ना कि एकदम दूर है। और फाइनली हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही ये शेर हो जाता है। डॉक्टर के पास इसकी ऐसी फटी पड़ी थी, और घर आके ही जैसे यही घर का मालिक हो और हम सब इसके सेवक। और अब देखो कैसे शेर की तरह बैठा है, और डॉक्टर के यहाँ इतना डर के बैठा हुआ था। और यहाँ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आज इसके वैक्सीनेशन का डे था और स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट सब हो गया और हम घर आ गए।